देखिए, ग्रुप थ्योरी में हमने आपको कहाँ तक बताया देखिए जरा। ग्रुप थ्योरी में कहाँ तक बताया देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट का बता दिया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोसेट, ठीक है, ऑफ ए सब कोसेट। उसमें हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड बता दिया है ना। देखो इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखिए, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पहला पॉइंट्स इफ एच कॉमा जीरो और सिंपली एच, इफ एच कॉमा जीरो या सिंपली एच बी ए सब ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा जीरो और सिंपली जी, और सिंपली जी देन एच इज ए एच इज ए बोथ ए बोथ ए लेफ्ट लेफ्ट कोसेट एंड ए राइट कोसेट। लेफ्ट कोसेट एंड ए राइट कोसेट, दूसरी प्रॉपर्टी है इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी सब ग्रुप ऑफ जी देन एच बराबर एच एंड ए बिलोंग टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग कर रहा है एच को। ग्रुप थ्योरी पढ़ाई है, पूरी हो गई ग्रुप थ्योरी आज। हाँ, अब उसकी प्रो क्लासेस 1, 2, 3, 4 करके हैं, सब पढ़ डालना आज, वो और इम्पोर्टेंट थी।
जी ना। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी एंड डज नॉट इक्वल टू बी, then AH AH is equal to BH इससे आया A inverse B belong to H where H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. H जो है subgroup है G का। The two left left cosets AH, two left cosets AH and BH. Obvious of a subgroup of H, two left coset AH and BH of a subgroup of H of a group of G are either identical or disjoint either identical or disjoint, या तो identical है या disjoint। Either identical or disjoint. फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिए,
इफ एच इज बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ द जी सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग टू जी ठीक एंड ए belongs to G but A does not belongs to H. A does not belongs to H. H को belong नहीं कर रहा है. Then there exists one mapping. Mapping of H onto AH. Onto AH. If H be a subgroup of G, H जो है subgroup है G का, A belong कर रहा है G को पर बी बिलोंग जी को नहीं कर रहा है. ए बिलोंग्स टू जी बट ए डज नॉट बिलोंग टू एच. देन वन वन मैपिंग ऑफ एच ऑन टू ए एच, मतलब वन टू वन मैपिंग किसकी, ए एच की बिलोंग करेगी. ठीक है, वन टू वन मैपिंग, वन वन मैपिंग ऑफ एच बिलोंग टू ए एच. अब आइए सिक्स नंबर पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट group is a divisor of the order of the group, divisor of the order of the group. The order of every subgroup of a finite group is a divisor of the order of group. Divisor होता है order of the group. बस इतनी थी. फिर आपके में है last topic. होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप. होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स. होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म. पहले देखो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स.
होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। इफ जी कॉमा जीरो डैश कॉमा जीरो वी टू ग्रुप्स आर ये दो ग्रुप्स हैं देन मैपिंग देन मैपिंग कॉस्ट